वो अलग बात है। फिर एक बार बनाऊं? बनाएंगे। ठीक है बताओ। ये एग्रीबोट कंपनी का है और इसका ये तो एक साल हो गया खरीदे हुए हमारे को, लेकिन इसका कॉस्ट का मुझे आइडिया नहीं है। अप्रोक्स 8-9 लाख होगा। देखिए हमारा वो है बाइक, कंपनी वाला है, कंपनी का बाइक है और उस पर हम सारा असेंबल करके फिर हम इसको ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल और इसमें इसका 10 लीटर कैपेसिटी है। ये कैन वाला टैंक? हाँ टैंक वाला। टैंक का 10 लीटर कैपेसिटी है। ओके। और जो आगे पीछे जो इसके लगे हैं ये रडार है ये दोनों की 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस पे ही ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब कोई खंभा हो गया, ट्री हो गया या फिर कोई ऐसा पत्थर हो गया जिससे कि हमारा लाइट वापस आ जाती है। ओके। तो उसको हम ये सेंस कर लेता है। अच्छा। और फिर आगे ये फिर 5 मीटर के बाद बढ़ता नहीं है, स्टॉप रहता है। अच्छा अच्छा। अब देखिए ये पानी डालते क्या? 5 लीटर का? 5 लीटर का डाल, 5 लीटर ही डालना सही है? 6 लीटर डालेंगे? नहीं नहीं 5 लीटर डाल। मार्ग नहीं उधर पता नहीं चलता हाँ हाफ लीटर हाफ डालो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 0.6 का बना दो रुपया? नहीं नहीं 5 बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? कैसे पता चलता है उधर 5 है 5? अच्छा अच्छा उसका वो की लेवल। ठीक है ठीक है 6 डालो। ये दोनों का बैटरी? बस 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 करेक्ट 6। ओके बैटरी है क्या? इसमें 2 बैटरी लगती है जिसे एक सेट कहते हैं। अच्छा। 2 सेट ऑफ बैटरी है इसका, एक इधर लगेगा इधर लगेगा। ओके। और इसके 4 नोजल हैं। 4 नोजल? 4 नोजल है, 1, 2, 3, 4 4 नोजल है। और नीचे वो सामने वो है वो मोटर है जो कि स्प्रेयर करता है। स्प्रेयर? और वो लाइट्स क्या है, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन ये बताता है कि आपका जो सारे, मैं इधर हूँ, जो सारे मोटरें हैं वो ऑन कंडीशन में है। ऑन कंडीशन में हो गया और साथ ही साथ एक्टिव मोड में है। एक्टिव मोड में? देखिए जैसे ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट भी करता होगा, कोई ना कोई वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा। फिर दूसरा वो वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये किया वाइब्रेट कर रहा है, ये बताता है कि ऑन मोड में हूँ। ऑन मोड। और ये लाइट दूसरा चीज ये बताता है कि नाइट में जब हम फ्लाई करते हैं तो नाइट विजन सेंसर का भी काम करता है और हमारे को भी पता रहता है कि हमारा ड्रोन कितना डिस्टेंस पे है। अच्छा अच्छा। ये क्या है? ये इसको हम GCS कहते हैं, ग्राउंड कंट्रोल। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, स्टेशन वाला है। इसको कई बार ट्रांसमीटर भी कह देते हैं कई लोग, कई लोग रिमोट कंट्रोलर भी कहते हैं, कोई कंट्रोलर भी कहता है, अलग नाम है। इसमें मैप किया जाता है, जैसे इसमें हम सारा स्प्रेयर रेट चेक कर लेंगे पैरामीटर पे जाके। ये मेरा स्प्रे मोड में है। अच्छा। स्प्रे अभी मैं एक केमेल बना रहा हूँ, हम लोग केमेल कह देते हैं सर्वे की लैंग्वेज में, लेकिन इसका एक पाथ डिसाइड कर रहा हूँ जिसमें 1/2 एकड़ का मैं बनाऊंगा मैप। ओके। 0.6 का बनाऊंगा इसे। अच्छा अच्छा। ये मेरा कोलिजन है, इधर मेरा ये कोलिजन है जो कि मेरे को बताता है कि कोई चीज आगे ऑब्स्टिकल है, आगे नहीं जाना है। ओके। वो रुक जाएगा वहीं पे या रिवर्स ले लेगा। रिवर्स आते हैं। ठीक है, सेव कर देना सर। केमिकल क्वांटिटी मैं वैसे 100% रखता हूँ, एक प्लान बनाता हूँ। ये GPS में लेते क्या और मैप? हाँ, ये वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया इसको। इसको एक 0.6 का मैं प्लान बनाता हूँ। इधर थोड़ा बढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं रुको, एक मिनट। नहीं नहीं इधर मत रखो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, गलत हो रहा है। यहाँ से हाँ, ये प्लान को छेड़छाड़ मत करो, थोड़ा और शिफ्ट कर दो, थोड़ा जूम करो, देखो। लेकिन ये खेत उसमें जा रहा, किसी का बर्बाद ना हो। नहीं वो पानी है ना, कुछ नहीं होगा उससे, कोई कुछ नहीं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये मिशन पे है, इसे हम मिशन कहते हैं। अच्छा। मिशन पे जाएंगे, ये हमारा एंगल है कि देखो, कितने इधर 0.6 एकड़ का है, 6 एकड़ का प्लान बना रखा है 0.6 में। और जो है इसका रोटरी पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा और फिर लास्ट आएगा। अच्छा, जहाँ पे है देखो इस एरो मार्क है, इस ये ड्रोन है, इधर ड्रोन है, टेक ऑफ पॉइंट है। हम कुछ नहीं करेंगे, यहीं पे आके ये लैंड हो जाएगा, लैंड हो जाएगा है ना, जब कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है, चलो अपलोड करो इस मिशन को। स्पेसिंग 4 का रखोगे, स्पेसिंग मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 4 रखी है और 2 मीटर हाइट पे हमारा ड्रोन उड़ेगा। यहाँ पे ये बता रहा है 2 मीटर है ना, अपलोड कर दिया। बैटरी चेंज कर ये ये 5 मिनट डिसाइड कर दिया। इस पे मेरा ड्रोन आ रहा है, जा रहा है, स्प्रे हो रहा है। यहाँ मीटर बता रहा है 2 पॉइंट, ये पैरामीटर जरूरी होता है देखना। ये मेरे 6 बटन है जिसमें से ये स्टॉप का बटन है जिसमें हाथ पे मेरा है। ठीक है, अब मैंने ये वे पॉइंट कहलाते हैं, वे पॉइंट मतलब रास्ता। मैंने ये स्टार्टिंग 3 है और लास्ट है मेरा 54। ठीक है, और जो ये है टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ से मैंने टेक ऑफ लिया, फर्स्ट से स्टार्ट किया, ऑटोमेटिक पे काम कर रहा, बी मेरा ऑटोमेटिक है, इसको मैंने दबा रखा है। तो मेरा लास्ट काम करके यहाँ पे दोबारा आके वहीं पे लैंड कर जाएगा। अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास ये आ रहा है इस वाले पाथ को डिसाइड करके। अच्छा, पाथ डिसाइड कर लिए, पाथ वो ऑटोमेटिक ही जब मैं काम करता है उस समय मैं डिसाइड कर देता है कि इस पाथ से मेरा आएगा। अच्छा, तो इसी को फॉलो करते हुए इसी लाइन पे आया। I don't know.